गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फाइलम सीलेंट्रीटा और निडेरिया। द टू नेम आर गिवन टू दिस द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम सीलेंट्रीटा बिकॉज कैविटी सीलेंट्रोन और गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और क्योंकि इनके अंदर स्पेशल टाइप के नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोब्लास्ट को नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी वजह से भी इनको क्या बोला जाता है, निडेरिया बोला जाता है। तो ये एक ये फीचर याद रखना, सिर्फ इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट सेल, क्योंकि इनके अंदर ट्रूसीलम प्रेजेंट नहीं होती, दो ही मेम्ब्रेन है, मेसोडर्म नहीं है इनके अंदर। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं सीलेंट्रोन और गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक, ठीक है, मोस्टली मेराइन होते हैं। जो हाइड्रा है वो हमें कैसा मिलेगा, फ्रेश वाटर। उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज आर सेसाइल, सेसाइल फ्री स्विमिंग। दो टाइप के हैं, एक तो अपने आप घूमता जा रहा है पानी में, और एक है ये कोई सॉलिड, कोई पत्थर चट्टान कुछ भी हो गया, इसके साथ चिपक गया और वहाँ चिपक के रह रहा है। ठीक है, तो दो फॉर्म में मिले, एक ये सेसाइल है, सेसाइल यानी जो फ्रीली वाटर में मूव कर रहा है, तो ये वाले ससाइल होते हैं। उसके बाद हम देखें इनकी जर्म लेयर्स, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेगा। फिर देखें हम बेटा इसके अंदर कि इसमें न्यूट्रिशन देखें, हम पहले इसके सारे ये देखते हैं एक एक करके, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, फिर इसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है ये इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल होती है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन जो है वो इंटरसेल्युलर भी है एंड कुछ में इंट्रासेल्युलर, जो डाइजेशन होता है बेटा वो इंटरसेल्युलर भी है और इंट्रासेल्युलर भी है। उसके बाद फिर हम देखें रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस, कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन देखें तो इनमें हर्ट, हर्ट एब्सेंट होता है, हर्ट एब्सेंट होता है, हर्ट प्रेजेंट नहीं होगा। एक्सक्रीशन, कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। जनरल बॉडी सरफेस से ही ये अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल लेते हैं। इनमें जो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल होती है ना, इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोलते हैं, यानी एक ही ओपनिंग इसके अंदर एलिमेंट्री केनाल में, यहीं से तो ये फूड इनटेक करेगा, यहीं से अनडाइजेस्टेड बॉडी के बाहर रिमूव किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन के बाद हम देखें इनके अंदर रिप्रोडक्शन एक तो इनके अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन मिलेगी, ठीक है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन मिलती है। और इनके अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, वो देखेंगे हम, पॉलिप में एसेक्सुअल और मेड्यूसा में सेक्सुअल। मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे ये, और वो फ्यूज करेंगे, उनसे इनके अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। अब इनके हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके अंदर जो कुछ मेंबर्स होते हैं इनके निडारियंस के, एक तो हम पहले नीडोब्लास्ट सेल के बारे में पढ़ें कि जो ये नीडोब्लास्ट सेल है इसका काम क्या है, ये नीडोसाइट का काम क्या है। इनके ऊपर टेंटेकल्स होती हैं,
टेंटेकल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, ये वाली सेल्स, ठीक है। इनमें इन सेल्स के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल या उसको बोलते हैं नेमेटोसाइट। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑन टेंटेकल्स। ठीक है, इसके बाद ये मतलब नीडोसाइट क्या है? नीडोसाइट एक लंबा सा एक ऐसा एक सेल होती है इसके अंदर, और उसके साथ एक ऐसे स्टिंग जुड़ा होता है, टेंटिकल के ऊपर है, जिसके ऊपर एक स्टिंगिंग पार्ट होता है इसके अंदर। ये ऐसे फोल्ड हो गया, जैसे ही कोई प्रेडेटर आया इसने ओपन किया, उसको स्टिंग मार दिया, वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है ये इसके अंदर। इनका फंक्शन क्या क्या है? एक तो हो गया एंकरेज, किसी के साथ जुड़ना है तो ये इनकी हेल्प से वहाँ पे अपने आप को एंकर कर लेती हैं। डिफेंस हो गया, दूसरे से बचने के लिए वाटर बॉडी में कोई है तो। और एक और हो गया जो प्रे होता है ना, उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है बेटा, ये इसके फंक्शंस हो गए। उसके बाद जो ये इसके अंदर इनकी हम हैबिट्स देखें तो कुछ कॉलोनी में रहते हैं जैसे कोरल्स, कुछ अकेले रहते हैं सॉलिटरी जैसे कि हाइड्रा। तो इनमें एक इनकी जो निडारियंस हैं, एक टाइप होती है जिनको हम बोलते हैं कोरल्स। एक तो ये कोरल है, सी से कोरल, सी से कॉलोनी, कॉलोनी में मिलेंगे। दूसरा इनके एक स्केलेटन होता है, इनका एक्सोस्केलेटन। इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब ये बहुत सारे कॉलोनी में रह रहे हैं, मर गया अंदर का वो तो चलो इसका डिजनरेट हो गया अंदर वाला पार्ट, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रह गया वहाँ पे। तो बहुत सारे मरते रहेंगे, नए आते रहेंगे, इसकी वजह से ये जो कोरल्स होते हैं ये बहुत एक ऐसा सोयल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है। अब ये कोरल रीफ, ये लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कोरल्स का बना हुआ है। बहुत सारे जो वाटर बॉडीज होते हैं ना उनके अंदर सैंड जैसा स्ट्रक्चर उनके बीच में अलग अलग शेप में मिलेगा, इनको हम कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल रीफ का क्या फंक्शन है कि जैसे प्रोटेक्शन हो जाती है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की, अपने एग लेकर लेते हैं, ये इनके काम आते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके एक हाउस की तरह काम करते हैं, शेल्टर की तरह। अब हम देखें इनकी जो दो बॉडी फॉर्म होते हैं निडेरियंस की, मेनली टू बॉडी फॉर्म्स होती हैं इनकी, एक को हम बोलते हैं पॉलिप, ठीक है बेटा, और दूसरे को हम बोलते हैं मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है ना इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, और जो मेड्यूसा होता है ना ये होता है अम्ब्रेला शेप्ड। अब मैं आपको इनकी फोटोज दिखाऊं तो ये आपकी नाइन्थ की बुक में गिवन है, ये वाला, ये तो हो गया सिलेंड्रिकल हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, इनमें स्टिंगिंग सेल हैं टेंटिकल्स में। मेसोग्लिया क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म उनके बीच में एक जेली लाइक मेम्ब्रेन होती है जो रेजिस्टेंट को रोकती है, मेसोग्लिया, ठीक है। ये इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गई बेटा, ये टेंटिकल्स हो गई इसके अंदर, तो सिलेंड्रिकल बॉडी है, पॉलिप हो गया, ये देखो छतरी जैसा इसके ऊपर टेंटिकल्स ऐसी हैं, सी एनेमोन, ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। दो फॉर्म हो गई, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है। इसके अंदर सिलेंड्रिकल है, ससाइल है मेनली ये, और ये वाले जो होते हैं जो मेड्यूसा होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ये मोस्टली चिपके होते हैं,
ठीक है, लेकिन हाइड्रा है ये मूव करता है, ये चिपका नहीं रहता। इनके एग्जांपल्स देखो, हाइड्रा, एडेमशिया, और इनके अगर हम देखें बेटा मेड्यूसा के, तो मेड्यूसा के अंदर कौन सा आ जाएगा, जेलीफिश। फिश नहीं है इसलिए इसका एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिया है। ओरेलिया। इनमें क्वेश्चंस ही मोस्टली आते हैं, आपने फीचर्स तो याद कर लिए, लेकिन इनके इनमें से एग्जांपल में से पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन निड एरिया सेलेंट्रेटा ऐसे करके, नहीं प्लेटी एलिमेंट्रीज यूँ ऑप्शन नहीं देगा, वो ये देगा इसमें एक एग्जाम्पल इसका उठा लिया, फिर वो एक प्लेटी एलिमेंट्रीज का एग्जाम्पल में से पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल जो बता रही हूँ वो पक्का याद रखना, जो आपकी एनसीईआरटी में नाइन्थ की में वो एग्जाम्पल आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। जेली फिश, इसको ऐसे फिश बोलते हैं, दीज आर नॉट फिशेस। उसके बाद ये हो गया, जो इसके अंदर पोलिप होते हैं ये एसेक्सुअल पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बना देते हैं, कई बार मेड्यूसा हैं वो पोलिप बना देते हैं। देखो जो कुछ होते हैं जैसे हाइड्रा है, ये है, ये हाइड्रा हमेशा पॉलिप की फॉर्म में रहेगा, जेलीफिश हमेशा इसकी मेड्यूसा की फॉर्म में रहेगी, दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं इनकी बॉडी की। लेकिन कुछ होते हैं जो दोनों मिलेंगे, जैसे ओबेलिया, ओबेलिया भाई पॉलिप है, ठीक है, इसने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बन गया मेड्यूसा, ठीक है, इसने किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बन गया पॉलिप। अब कभी इसकी बॉडी पॉलिप बन रही है, कभी इसकी मेड्यूसा बन रही है। पॉलिप था जो चिपका हुआ था किसी के बॉडी सरफेस के साथ, सिलेंड्रिकल था, और तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मेड्यूसा बन गया, मेड्यूसा बन गया घूमने फिरने लग गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग गया, अम्ब्रेला शेप्ड हो गया। इस तरह ये बॉडी फॉर्म्स को चेंज करते हैं ना बेटा, इस प्रोसेस को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका एग्जांपल ओबेलिया हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल मैंने यहां बता दिया, पॉलिप एसेक्सुअली कर रहा है, और इसके अंदर ये मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके एग्जांपल एक फिजेलिया बोलते हैं, फिजेलिया, फिजेलिया इसका एग्जांपल है, फिजेलिया को बोलते हैं पोर्टिगज मैन ऑफ वार, पोर्टिगज मैन ऑफ वार। इसकी ऐसी है कि जैसे कोई अपने हाथ में तलवार लेके खड़ा हो, ऐसा शेप लगता है इसका, ठीक है। एडेमशिया सी एनिमोन हो गया, जो मैंने यहाँ लिखवाया था इसके अंदर, नहीं इसका एडेमशिया बेटा, हाँ ये भी सिलेंड्रिकल, सॉरी अम्ब्रेला नहीं, सिलेंड्रिकल शेप शेप का है एडेमशिया सी एनिमोन है। देखो अम्ब्रेला शेप तो तुम्हें ये दिखाऊं, ये है, ये तो सिलेंड्रिकल हो गया इसकी बॉडी फॉर्म, ये अम्ब्रेला देखो, ये जेली फिश, ये छत्ता हो जैसे, ठीक है। उसके बाद कोरल्स होते हैं, कुछ सी पेन, सी पेन इनकी ये पेरेंटूला है, पेन जैसा लगता है, सी पेन बोल दिया क्योंकि पानी में रह रहा है, तो ये इनके एग्जांपल हो गए, ठीक है बेटा। ये हमने ये पूरा पढ़ा, इसके नोट्स बना के इसको अच्छे से याद कर लेना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये था फाइलम सीलेंट्रेटा।